दोस्तों इस हफ्ते रिलीज हुई है मूवी केसरी। तो आज हम बात करने वाले हैं केसरी और टोटल धमाल के वीकेंड बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले टोटल धमाल के बारे में। तो टोटल धमाल की 3 दिनों का आंकड़ा अगर हम सामने लाकर रखें तो उसने 3 दिन के अंदर 62 करोड़ के पार की कमाई करी थी, जहां अपने पहले दिन 16.50 करोड़ और शनिवार को 20.40 करोड़ और रविवार को 25.50 करोड़ की कमाई करके इसने अपना वीकेंड काफ़ी अच्छा हासिल किया था। वहीं अगर बात करें मंडे की, तो मंडे को इसकी जो कमाई की रफ्तार है उसमें काफ़ी धीमी गति आ गई थी। अब बात करते हैं अक्षय कुमार स्टारर केसरी के बारे में। तो केसरी के फर्स्ट वीक यानी आज तक का कलेक्शन कितना रहने वाला है, हम आपको पूरा ब्यौरा देने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करें केसरी की, तो केसरी का पहले दिन जो कि ये गुरुवार को रिलीज हुई थी, उसने जिस दिन इसके आधे शोज ही लगे थे यानी कि 3 बजे के बाद इसके पूरे वो इंडिया के अंदर शोज शुरू हुए थे, तो पहले दिन इसने 21 करोड़ की कमाई करके सबको चौंका दिया। फिर शुक्रवार को इसने 16 करोड़ के पार की कमाई की, शनिवार को 18.75 करोड़ की कमाई करके इसने 3 दिन का टोटल कलेक्शन 56.51 करोड़ हो चुका है। अब बात करें संडे की, तो संडे को एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आसानी से 24 करोड़ तक की कमाई कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, संडे का फायदा मिलेगा, लोग इस मूवी को थिएटर्स में देखने जरूर जाएंगे। इस हिसाब से इसका 4 दिन लंबा वीकेंड इसे मिला और 24 करोड़ की अगर ये कमाई कर लेती है संडे यानी आज, तो आसानी से ये 80 करोड़ के पार का पहला वीकेंड दे देगी यानी इस साल का सबसे बड़ा वीकेंड। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ये खिताब भी अपने नाम कर लेंगे अगर 80 करोड़ की कमाई अक्षय कुमार कर लेते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि टोटल धमाल का रिकॉर्ड अक्षय कुमार आसानी से तोड़ पाएंगे नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें, देखो देखो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।